बीएन मंडल विश्वविद्यालय की मानविकी संकाय में संकाय अध्यक्ष के रूप में माननीय कुलपति महोदय के आदेश से हमारे कुल सचिव के द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई, जिसमें प्रोफेसर उषा सिन्हा का 2 वर्ष का जो कार्यकाल था उसे पूर्ण होने के उपरांत प्रोफेसर डॉक्टर विनय कुमार चौधरी जी का अधिसूचना के आलोक में इन्होंने आज कुल सचिव और DSW के उपस्थिति में योगदान दिया। डॉक्टर विनय कुमार चौधरी मधेपुरा में 1981 ईस्वी से पार्वती विज्ञान महाविद्यालय में हिंदी के शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं और एक हिंदी साहित्य की सेवा इन्होंने अपने योगदान के पूर्व और योगदान के बाद आज तक जिस रूप में इन्होंने किया है वह निश्चित रूप से आने वाला समय इनको याद करता रहेगा। और सबसे जो खूबी है कि डॉक्टर चौधरी के बोली बानी से दिखता है, कोई आदमी परख सकता है कि ये हिंदी साहित्य का इनके बोली बानी में असर है और इनके हरेक जो वाक्य में कविता का जो एक बोध होता है वह निश्चित रूप से हिंदी साहित्य को समृद्ध करने में काफ़ी मदद करता है और करता रहेगा। सबसे जो खूबी है, डॉक्टर चौधरी हमेशा सरल सहज भाव से किसी काम को निपटाते रहे हैं। इनका जो पूर्व का विभागाध्यक्ष के तौर पर कार्यकाल है वह कार्यकाल भी काफ़ी यादगार रहेगा और संकाय अध्यक्ष के रूप में मैं विश्वविद्यालय के शिक्षक संघ की तरफ से शुभकामना देता हूं कि इनका जो कार्यकाल है संकाय अध्यक्ष के रूप में वह बेहतर साबित होगा और विश्वविद्यालय को लाभ पहुंचाएगा। सबसे जो बड़ी खूबी है कि इनका जो विभाग है हिंदी विभाग और हिंदी विभाग जो 2010 ईस्वी से यस हिंदी विभाग बीएन मंडल विश्वविद्यालय में कार्य कर रहा है और 2010 से इन्होंने हिंदी विभाग को नज़दीक से सींचा और संवारा है विभागाध्यक्ष के रूप में, शिक्षक के रूप में और ख़ास करके वहाँ के जो छात्र छात्राएं हैं वह प्रत्येक वर्ष नेट और JRF वहाँ से क्वालिफाई करते रहे हैं। मुझे लगता है कि इन लोगों के सभी शिक्षकों खास करके विनय कुमार चौधरी और इनकी टीम जो है वहाँ शिक्षकगण इन लोगों का अथक प्रयास रहा, सकारात्मक प्रयास रहा है और बेहतर करने की जो प्रेरणा छात्रों को देते रहे हैं उससे वहाँ के छात्र नेट और JRF हर एक साल वहाँ के छात्र छात्राएं नेट और JRF क्वालिफाई करते रहे हैं। मैं इन्हें शुभकामना देता हूँ कि आप बेहतर संकायाध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे और आपका कार्यकाल सदा याद आता रहेगा आने वाली पीढ़ी को और आप सफल संकाय अध्यक्ष होंगे। और इसी शुभकामना के साथ मैं पुनः डॉक्टर विनय कुमार चौधरी को लाख लाख बधाई देता हूं और बेहतर भविष्य की कामना करता हूं। आज डॉक्टर विनय कुमार चौधरी जी ने मानविकी संकाय अध्यक्ष के रूप में इन्होंने योगदान दिया। प्रोफेसर उषा सिंह के 2 साल के कार्यकाल की समाप्ति के बाद इन्होंने अपना योगदान दिया है। मैं समझता हूँ इनका जो कार्य करने का शैली है, जो मैं इतने वर्षों से मैं इनको कम से कम 26 वर्षों से साथ हूँ, उसके पहले से भी जानता हूँ इनको, मैं समझता हूँ कि आज तक ऐसे तो
इनके जो पहले जो मानविकी संकाय के अध्यक्ष थी उषा जी, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। मैं समझता हूँ कि ये अपने कार्यशैली से अपने कार्य को और बेहतर ढंग से आगे बढ़ाएंगे और इस विश्वविद्यालय का नाम रोशन करेंगे। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने इस मित्र को, हमारे इस एक तरह से अग्रज भी हैं, मैं इनको हार्दिक शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ, ताकि और भगवान इनको कार्य करने की पूरी क्षमता दे ताकि ये विश्वविद्यालय का नाम और आगे ले जाएं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद। अठारह बारह 1958 को हुआ। 1972 में हमने मैट्रिक किया, 75 में इंटरमीडिएट, 77 में हिंदी ऑनर्स प्रथम श्रेणी से और 79 में एमए सेकंड टॉपर रहा। 79 का रिजल्ट मेरा एमए का निकला 81 जून में और सितंबर में मैंने पार्वती साइंस कॉलेज मधेपुरा में योगदान दिया और तब से अब तक 41 वर्षों की सेवा मेरी पूरी हो चुकी है। इस दरमियान मैंने 45 पुस्तकों का लेखन और प्रकाशन किया है जो रचनात्मक भी और एकेडमिक भी है। मैंने 1994 में रीडर में मेरी प्रोन्नति हुई और 2006 में प्रोफेसर के पद में पद पर प्रोन्नत हुआ। मैंने भागलपुर विश्वविद्यालय से PhD और D.Litt की उपाधि प्राप्त की। D.Litt की उपाधि 13 में डिग्री मिली। मैंने कोसी अंचल के लोक साहित्य पर D.Litt किया है। लोक साहित्य पर मेरी 4-5 किताबें प्रकाशित हैं, शोध ग्रंथ भी प्रकाशित है। मधेपुरा जिला के हिंदी साहित्य पर मेरा PhD है जो प्रकाशित है। मेरा भाषा ज्ञान हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, बंगला और रूसी है। MA में मैंने पत्रकारिता और बंगला पत्र लिया था और पत्रकारिता पर भी मेरी किताबें हैं। प्रयोजन मूलक हिंदी पर मेरी पुस्तक है और रचनात्मक साहित्य के अंतर्गत करीब 1.5 दर्जन काव्य पुस्तकें, जिसमें 7 प्रबंध काव्य है, 2 नाटक है। कीर्ति नारायण मंडल पर मेरी 2 किताबें हैं, एक कोसी पुत्र प्रबंध काव्य और एक दधीची की हड्डी नाटक है। मैंने कोसी अंचल के लोक साहित्य पर विशदता और सूक्ष्मता से अध्ययन और लेखन किया है और इस क्षेत्र में बहुत सी पुस्तकें हैं मेरी। यहाँ तक लेखन की बात है तो मैं 8वीं कक्षा से ही निरंतर लिखता रहा हूँ और 1980 में महादेवी वर्मा की अध्यक्षता में जो बनारस में साहित्य सम्मेलन हुआ था उसमें भी काव्य पाठ करने का मौका मिला। मैंने बंगाल के गवर्नर हाउस में काव्य पाठ हुआ, उसमें भी काव्य पाठ का मौका मिला। इसके बाद पिछले 2 साल पहले
दूरदर्शन पटना से भी एक घंटे का लाइव प्रोग्राम इंटरव्यू हुआ। इधर 8 दिन पहले लहक पत्रिका के डिजिटल चैनल पर 45 मिनट का इंटरव्यू प्रसारित हुआ है, जो निर्भय देवयांश उसके संपादक हैं। उन्होंने चंद्रकिशोर जायसवाल पर लिखित प्रकाशित मेरी पुस्तक पर जायसवाल जी पर केंद्रित इंटरव्यू दिया, जो बहुत ही उनकी दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मैं भागलपुर, आकाशवाणी भागलपुर, दरभंगा और पूर्णिया से भी कई कार्यक्रम प्रस्तुत कर चुका हूँ। 2 बार ईटीवी से भी भोपाल से हास्य व्यंग के लिए ऑफर आया, लेकिन व्यावहारिक परेशानी के कारण नहीं जा पाया हूँ। विगत 6 महीने पहले हार्ट का बाईपास सर्जरी कराने के कारण मेरी रचनात्मक क्षमता कुछ कुंद हुई है। आज मैंने मानविकी संकायाध्यक्ष के पद पर योगदान दिया है और मैं चाहूँगा कि इसको बड़ी निष्ठा से इसका संपादन करूँ। इससे पूर्व 3 ऑफर विश्वविद्यालय का आया, जिसको मैं ठुकरा चुका था। यह 4था आयोजन है। मैं चाहता हूँ कि जिस काम में हूँ, जिस दायित्व का भार मुझे मिला है, उसका सफल संचालन कर सकूँ, निर्वहन कर सकूँ और अपनी 1 वर्ष की शेष सेवा को बेदाग ढंग से निकाल सकूँ। यही मेरी, मैं भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति प्रोफेसर RKP रमन साहब, प्रतिकुलपति आभा सिंह साहबा, कुल सचिव मिहिर कुमार ठाकुर और अन्य जितने कर्मी हैं, हमारे क्षेत्रीय भी हैं, सुधांशु शेखर जी मीडिया प्रभारी और हमारे बड़े व्यावहारिक संरक्षक हैं डॉक्टर नरेश कुमार, हमारे पीछे सहयोगी अग्रज मित्र प्रोफेसर कवि मित्र प्रोफेसर मणिभूषण वर्मा, आज बनारस से आए हुए विजय कुमार जी और प्रोफेसर अरुण कुमार, इन सारे लोगों के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ कि मेरे योगदान के अवसर पर उपस्थित रहकर इन्होंने मेरा मनोबल बढ़ाया है। मैं मणिभूषण वर्मा, डॉक्टर विनय कुमार चौधरी जी जो इस विश्वविद्यालय में एकमात्र डिलीट किए हुए हैं, एक अच्छे साहित्यकार, कवि और एक अच्छे शिक्षक के रूप में अपना योगदान देते रहे हैं। इस महाविद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय तक के विकास में उन्होंने अग्रणी भूमिका अदा की है। वो पार्वती साइंस कॉलेज में भी एक शिक्षक के रूप में रहे, वो क्या नाम कहते हैं यूनिवर्सिटी के हिंदी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष के रूप में भी रहने का उनको अवसर प्राप्त हुआ है, हिंदी विभाग के एक शिक्षक के रूप में भी रहने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज वो हम लोगों के समक्ष ही आज उनका योगदान हुआ है इस विश्वविद्यालय के डीन पद पर, और मुझे विश्वास है कि उनके द्वारा जो कार्य संपादन किया जाएगा वो बड़े ही निष्पक्ष और बड़े ही यथार्थपूर्ण दृष्टि से लोगों के लिए सराहनीय होगा।
चलिए कुछ बोला, चलिए चलिए बधाई 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 हो सर, आपको बधाई, आज आप दीन हुए, बधाई से आप दीन हुए। हां विनय बाबू को विनम्र बधाई। हां हमसे दंड बधाई। हां हां।